हैं जो बुंदेलखंड के मशहूर कवि जिन्होंने अपनी लोकगीत कलाकार हैं उन सभी को लोकगीत लिख लिख कर दिए हैं। आज हम उसी व्यक्ति से मिलाने वाले हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है सबसे पहले? जय राम भैया रहो, जय बुंदेलखंड। हम आपसे सबके बीच में बलदेव नामदेव, जो महोबा जिला के अजनर गांव से हैं और जो नौगांव और बिलाताल के बीच में पड़ता है। आपको करने का तरीका कहाँ से आया कि मतलब आपने सीधा राइटर बन चुके? जी, हमें हल्की संगीत का शौक था। पहले हम सुंदरकांड में जाते थे, हमें अच्छा लगता था। हमारे घर माहौल सब संगीत से ही जुड़े भाई हैं, तो हमें शौक था कि हम संगीत से जुड़ें और लोगों के बीच में कुछ ऐसा करें कि जो उन्हें पसंद आए। तो हमने यूट्यूब से देखे गीतों को, सीखा, धीरे धीरे प्रयास किया है, तो आज माता सरस्वती की कृपा है जो आप सबके बीच में है। तो आपने सबसे पहले मतलब किसको गीत लिख करके दिए थे? अच्छा, हमारी छतरपुर की बहुत अच्छी गायिका है, रोशनी पटेल जी हैं, उन्हीं से ही हमने संपर्क किया। धीरे धीरे उन्होंने हमारे गीत को आगे बढ़ाया, जो कि आज बुंदेलखंड में बहुत हिट हैं और चल रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो उनको मतलब सबसे पहले कौन सा लोकगीत लिख कर दिया था? उनको एक गीत था हमारे पास, जो हमने उनके लिए ही लिखा था कि एक गीत हमें उनकी आवाज़ में सुनना है, तो आप सबके सामने दो शब्द सुना गए। कि मैं छमिया बुंदेलखंड की, तुम हो जरावे, पटवे बारी ना की गैर। जो गीत आज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और भी कुछ गीत यूट्यूब पर डले हैं, आप लोग सुनते होंगे कि सैया धीरे धीरे डार, एकदम से ना ले मुझे मार। मतलब कार की चर्चा है, जिया सारी चले जा रहे थे, वो बहुत तेज चला रहे थे, इस बात की चर्चा है गीत में। ये भी रोशनी ने गाया। हाँ, ये गीत बहुत ज्यादा पसंद किया लोगों ने। और भी मतलब लेडीज कलाकारों को अपने लोग गीत दिए। हाँ, जो गीत जैसी राजा के साथ में जाती हैं, बलबीर राजपूत के साथ में जाती हैं, अरविंद कुशवाहा जी के साथ में जाती हैं, जैसे हमारी रानी कुशवाहा है, ज्योति कुशवाहा है, जयंती कलाकारी है, रामदेवी सरगम है और डोली राजपूत है, इन सब ने हमारा सहयोग दिया गीतों में। हाँ, तो मतलब आप पैसा ऐसा लेते हो मतलब ये गीत लिखने का कि नहीं लेते? आज तक तो किसी ने लिया नहीं है, और जिसने दिया तो मना भी नहीं किया है। हाँ, हम शौक नहीं है कि कोई जो भी दे दे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके के पास से बहुत अच्छे प्रेम मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी है। मतलब ये दिमाग आप कहाँ से ले आते हो इतना कि आप सीधा पूरा लोकगीत ही लिख डालते हो? जब जैसा समय मिलता है, जब जैसा दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है, कोई देख चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, उस हिसाब से गाने को प्रयोग करते हैं कि ये गाना बनाया है, अच्छा लगा है लोगों को, किससे गवाएं, इसमें क्या अनुभव है, क्या क्या डालना है, उसमें सब करते हैं धीरे धीरे। अभी तक कितने लोकगीत लिख डाले? कम से कम 60-70 गीत तो लिख लेंगे आराम आराम से, जिसमें हमारे 50 गीत तो ऊपर डले हैं यूट्यूब पे, आप सुन सकते हो। मतलब हिट कितने भाई भाई अभी तक? 400 गीत हैं जो हम आपके सामने दो चार गीत सुनाने जा रहे हैं। जैसे हमारी ज्योति कुशवाहा ने कई गीत गाया है कि मुरी छलकत छेल जवानी, अब दिल मुरी बस में नैया। और रानी कुशवाहा ने गीत गाया है, आप सुन सकते हैं। अरे हो गओ ब्याह हमारो छेला, पाछो मुरो तुम छोड़ो, हाँ हाँ तुम छोड़ो, अरे भूल जाओ पहला की बातें, रिश्ते नाते सब तोड़ो। और जयसिंह राजा ने भी कुछ हाँ, उन्होंने हमारे गीतों का बीच बीच में सहयोग दिया है। जैसे हम लेडीज गीत केवल लेडीज गीत ही लिखते, ज़्यादा हमने लिखा है, हमें उसी का ही शौक था। जेंट्स गीत भी लिखे हैं, कुछ कलाकारों ने गाए, तो जो भी सहयोग दिया है गीतों का, वो जयसिंह राजा के माध्यम से दिया गया है। और एक गीत हमारी डोली राजपूत ने गाया है, जो अच्छा यूट्यूब पे चला है, कि दिल में कितनो दर्द है मोरे को जान ना पाओ है, और करके तो से प्यार तो छेला हमने धोखो खाओ है। ये कुछ 4-6 गीत हैं अभी तक जो अच्छे चल पा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि और भी आप सबके सहयोग से माता सरस्वती के पास जितना बनेगा करते रहेंगे। इतने लोकगीत लिख चुके हो, अभी तक आपने इनसे कितनी कमाई कर ली है? जी, कमाई की तो कुछ वो नहीं है, हमें शौक भी नहीं है ज़्यादा, बस अपने जो भी लिखते रहते हैं अपना, धीरे धीरे हमें शौक है खुद कि हम लोग इस गीत को गवाएं। जो भी कलाकार है बुंदेलखंड की, राम देवी जैसे मासूम है, उनसे भी शौक है कि इनको देने, हृदय सैया को शौक है, जब कभी समय आ गया तो उनकी भी आवाज़ में हमारे गीत सुन सकते हैं,
ऐसी हमारी कोशिश जारी रहेगी। मतलब कि पैसा सब कुछ नहीं होता है इस जमाने जी, पैसा ही कुछ नहीं है। आप आए हैं यहाँ पे प्रेम विवाह इज्जत जो आप सबकी मिल रही बहुत बहुत, इसके लिए हम इतने ही हमारी दिल की चाहत है। नाम भी तो चलता है ना। अरे वो सब माता सरस्वती की कृपा भी है। और मतलब और भी मतलब आगे लिखने के और भी, हाँ हमारी कोशिश जारी रहेगी। जब तक माता सरस्वती की कृपा है तब आप सबके बीच में हम ऐसे जो भी टूटा फूटा बनेगा कोशिश करते रहेंगे बराबर। अभी भी हमारी कोशिश जारी है, जब भी किसी का फोन आता है टाइम मिलता है जैसा होता है तो करके उनको दे देते हैं। चलो भैया आज हमें खुशी है कि हमारी गीतों का कुछ लोग बाग में अंतर चल रहा है, बढ़िया है। जैसे अगर कोई प्रोग्राम बांधना चाहता है जयसिंह राजा का या और भी कुछ कलाकारों का, जैसे लल्ला का और भी बड़े बलवीर जैसे कुछ मन अनेक है ना, वो तो आपके संपर्क में तो सभी होंगे। हाँ जी, बांधना चाहता है तो आपके द्वारा बांध सकते हैं। हाँ तो हम संपर्क करवा सकते हैं आपका, जो कुछ भी बनेगा उसमें आप सबकी छूट वूट जितनी बनेगी तो करवा सकते हैं, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं, अपनी ही बहन हैं। इसके लिए आप संपर्क करना चाहते हैं हमारे कारों से रूबरू कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये थे हमारे बल्लाव नामदेव कवि, और मतलब इनसे हमने संपर्क किया और इनसे जानकारी ली कि कौन कहाँ कलाकार है, मतलब बुंदेली कलाकार जो भी कॉमेडी के और लोकगीत कलाकार सभी कलाकारों का हमने पहचान लिया कौन कहाँ से है, का एड्रेस इन्होंने दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एड्रेस लेकर आप सभी के इंटरव्यू इस चैनल पर डालेंगे और